ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव शीट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में m1 m2 गिवन है, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, m1 x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2 लगा लेना, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकाल लेना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू HCl मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन वाला, जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री सिंपल है, m1 m2 m3 गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें भी सिंपल फॉर्मूला है, m1 x1 m2 x2 m3 x3, इसको भी करने को कोई फ़ायदा नहीं, आई होप ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में तीन स्फेयर वाले क्वेश्चन थे, तीन बॉल्स पड़ी हुई हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता था, तीनों एक को ओरिजिन मानते थे, दो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, ये भी हमने किया हुआ है। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दो, ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन इसमें डल गया, ये भी नहीं होगा आपसे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिया था, तो ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, कितने ब्लॉक टिक सकते हैं, ये भी किया हुआ है, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी चार ब्लॉक्स हैं, ये भी लास्ट टाइम किया था। ये क्वेश्चन आपने करना है, ये क्वेश्चन करना है एट्थ, जब एक डिस्क में से डिस्क को काट के फेंकना है, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, हाँ फेंक दिया, कैविटी है वाइट कलर की, इसमें ये करना है। तो क्या करेंगे, पहले बड़े डिस्क का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे डिस्क का एरिया निकालेंगे, बड़े डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, छोटे डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई ए वन माइनस ए टू करेंगे। तो करें ट्राई एक बार, बस आप मुझे साथ साथ ये बताएं, बड़े डिस्क का रेडियस कितना है, बड़े डिस्क का रेडियस कितना है बताओ, 28 है, क्योंकि डायमीटर कितना है 56 है, तो पहला एरिया क्या आएगा, पाई इंटू 28 का स्क्वायर, ए वन आ गया। छोटे डिस्क का रेडियस कितना है, 21, तो ए टू कितना आएगा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ए वन ए टू आ गया। अब ये बताओ, इसके अंदर जो बड़ी डिस्क है, इसमें जो बड़ी डिस्क है उसका सेंटर कहां पर है, यहां पर, मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। जो छोटी डिस्क है उसका सेंटर ये C1 है, ये C है तो ये C1 है, कोई बताएगा C और C1 में डिस्टेंस कितना है, 7, क्योंकि बड़े का रेडियस कितना है 28, छोटे का रेडियस कितना है 21, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 7, 0, सही है यहाँ तक। तो बड़े डिस्क का कोऑर्डिनेट 0, 0, छोटे डिस्क का कोऑर्डिनेट 7, 0, सही, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लेना है, बड़े डिस्क का एरिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, छोटे डिस्क का एरिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 7, बड़े डिस्क का एरिया, छोटे डिस्क का एरिया, दोनों को माइनस करके आंसर -9 मार्क कर लें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि डिस्क में से जब डिस्क कट करेंगे तो क्या लॉजिक लगेगा इसमें। यहां तक तो डिस्क में से डिस्क कट करना हो तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो डिस्क में से डिस्क कट करेंगे और ये वैल्यू आएगी -9, -9 का मतलब आपका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के बेस पे आप अब क्वेश्चन नंबर 10 करें, जिनका ये हो गया वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 करें। मिलता जुलता ही है, अब डिस्क में से स्क्वायर को काट दिया,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में ये गिवन है, एक डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क है, इसमें से एक स्क्वायर को काट के फेंक दिया, कैविटी हो गई, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया, ये क्वेश्चन है। तो रूल वही है, बड़ी डिस्क का रेडियस कितना है? आर। तो एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। छोटी डिस्क नहीं है, छोटे स्क्वायर का एरिया हम निकाल लेते हैं, वो ए टू बनेगा। पर छोटी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए होगी। अब साइड कैसी होगी? क्योंकि ये रेडियस कितना है? आर। हाफ कितना है? आर बाई टू। ये भी कितना है? आर बाई टू। तो साइड ऑफ स्क्वायर पाइथागोरस से क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ आर बाई टू का स्क्वायर प्लस आर बाई टू का स्क्वायर। तो आंसर आएगा आर बाई रूट टू। इसे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? आर बाई रूट टू। मैथ्स वालों को तो सीधा आता भी है, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एरिया वैसे भी हो जाएगा। तो एरिया रोम्बस से भी हो जाएगा, एरिया स्क्वायर का भी हो जाएगा, कैसे भी कर लो कोई चक्कर नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो आप इसकी साइड तो निकाल ही लेंगे, इसकी साइड आएगी आर बाय रूट टू, तो इसका एरिया क्या आएगा? आर बाय रूट टू का होल स्क्वायर। सही है, तो इसमें मैथ्स है, इसमें वो फिजिक्स तो है नहीं। तो आप इसमें एरिया निकाल लेंगे, इसका साइड निकाल के इसका एरिया निकाल लें। तो पहले आप डिस्क ले लें, डिस्क का एरिया ए वन निकाल लें, फिर आप स्क्वायर ले लें, उसकी साइड निकाल लें, उसका एरिया ए टू निकाल लें। अब ये बताएं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर बाय 2, 0। ये रहा, तो एक 0, 0 और एक आर बाय 2, 0। तो 0, 0 आर बाय 2, 0। ठीक है यहां तक? तो ये लो कैलकुलेशन चेक करो, पाई आर स्क्वायर बड़ी डिस्क का एरिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। स्क्वायर का आर स्क्वायर बाई टू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? आर बाई टू। डिस्क का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, सॉल्व करें। सॉल्व करके मैंने किया नहीं, बस तुम ऑप्शन मार्क कर लेना जो भी आएगा, सिंप्लीफाई करके ऑप्शन मार्क कर लो जो भी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? तो आज के बाद डिस्क के अंदर कोई भी चीज़ कट करके फेंका, उसका आंसर कैसे आना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत आता भी है कॉम्पिटिशन में, बहुत आता है ये, और अच्छा है हमारे पेपर में आ जाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आ तो गया ही है यार, पेपर में आ जाएगा तो कोई देख ही लेगा, हमें भी कुछ आता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए छोड़ा क्योंकि रॉड वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया था, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला। रॉड में लैम्डा गिवन है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो जिसमें मासेस निकाले थे हमने रॉड के, डिस्क के, वो सब निकाला था। तो यही वो क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन किया, ये आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, कर भी सकते, बुकलेट में सॉल्व भी है वैसे तो। ये क्वेश्चन 11 देखें अगर किसी का आता है तो, एम फोर की वैल्यू निकालनी है, एम फोर निकालना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक मास है m1 जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2m, मास गिवन है 2m, m2 गिवन है 4m, m3 गिवन है m, और m4 मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। वो कह रहा है कि ये चार स्क्वायर के कॉर्नर पे पड़े हुए हैं ताकि सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दी पार्टिकल एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाए। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाए? इसके सेंटर पे आ जाए। तो फिर मैंने भी काम किया, इसमें क्या निकालना है मुझे? m4 निकालना है, कितना मास रखूं कि सेंटर मास सेंटर पे आ जाए। जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मैंने इस कॉर्नर को 0, 0 ले लिया, इसको a, 0 ले लिया, इसको a, a ले लिया, और ये 0, a ले लिया, और सेंटर ऑफ मास a/2, a/2 ले लिया। तो मेरे को ये पता लग गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? a/2। तो अब ये m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया, m4 आ गया, m4 निकालना है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो एक सेंटर ऑफ मास का मैंने फॉर्मूला लगाया और एक सेंटर ऑफ मास में मैंने वैल्यूज को पुट किया,
तो मैंने इसमें x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दिया, m1 वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस एम फोर इंटू एक्स फोर बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। एक्स सेंटर ऑफ मास की जगह क्या पुट करेंगे, a बाई टू, एम वन की जगह टू एम, एक्स वन की जगह ज़ीरो, एम टू की जगह फोर एम, एक्स टू की जगह a, एम थ्री की जगह m, x की जगह a, एम फोर की जगह निकालना है और इसकी जगह ज़ीरो, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना, टू एम, फोर एम, एम और एम फोर। सॉल्व करना कितना आ रहा है, एम फोर की वैल्यू कितनी आ रही, आ रही है थ्री एम। इसे सॉल्व करके एम थ्री, एम फोर कितना आ रहा है, थ्री एम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, अब मज़े की बात है को, अब तुम वाई कोऑर्डिनेट में लगा के देखो, फिर से सॉल्व करो, वाई कोऑर्डिनेट में आंसर सेम आना चाहिए ना, सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा, करके देखो। इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर सेम फॉर्मूला लगाओगे, भाई मास तो मास है, मास कैसे चेंज हो जाएगा। तो इसमें एक आंसर तो एम थ्री एम आ गया, और जब मैंने इसमें वाई कोऑर्डिनेट पे सेम फॉर्मूला लगाया ये रहा, तो मेरा आंसर फाइव एम आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे इसका मतलब एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो नन ऑफ दीज ही आएगा एक आंसर। देखो आंसर तो दोनों तरीकों से सेम ही आना चाहिए था, कहीं तो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले की गड़बड़ी है, कुछ कोऑर्डिनेट सही नहीं बैठे उसके, जिस वजह से दो आंसर आ गए जो आ नहीं सकते, नन मार्क कर देना, आंसर नहीं आने वाला इसका। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसको छोड़ देना प्लीज़, पर मेथड यही रहेगा कल को अगर करना हो तो। हाँ ले सकते, ओरिजिन तो जो मर्जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के अंदर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रिंग है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि ये सेंटर है और रिंग का रेडियस a है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मान लो a कॉमा जीरो। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सेंटर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आऊँ तो मेरी b की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो b इज द डिस्टेंस जो सेंटर से कॉर्नर तक आने का डिस्टेंस को b बोल दिया उसने, सेंटर से कॉर्नर तक आने के डिस्टेंस को b बोल दिया। तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता, जीरो पे। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ 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 कहीं होगा। और अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ ना मात्र बिल्कुल निग्लिजिबल है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली ए के ऊपर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जीरो और ए के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, डिपेंडिंग आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर बहुत ही ज़्यादा राइट की तरफ है तो ए की तरफ आ जाएगा, नहीं है तो जीरो की तरफ आ जाएगा, नहीं तो बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 13, वो कह रहे हैं मैन है जिसका मास कितना है 80 केजी और एक कार्ट के ऊपर है 40 केजी और जो मैन है और जो कार्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब इसके अंदर ही इज़ रनिंग ऑन द कार्ट सो दैट हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार्ट इज 3। तो मैन की रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 3। तो कार्ट की स्पीड 2 है, मैन की स्पीड 3 है और ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो आपको ये निकालना है वट इज़ द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। पहली बात तो जो मैन है इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वो अपनी वेलोसिटी में से कार्ट की वेलोसिटी को क्या कर देगा, माइनस। अपनी वेलोसिटी अगर उसकी 3 है, कार्ट ऑपोजिट जा रहा है तो -2, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई।
और कार्ट की वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है, अगर मैन लेफ्ट जा रहा है तो कार्ट राइट जा रहा है, तो यहाँ माइनस भी आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। और वैसे भी यार एक बोट के ऊपर, कार्ट के ऊपर मैन भागता हुआ जा रहा है, कार्ट पीछे आ रही है, तो मोमेंटम कंजर्व वैसे ही होने वाला है। नहीं भी होगा, कैलकुलेशंस ही बता रही हैं, एम वन वी वन एम टू वी टू इनका सम सॉल्व करके जीरो आएगा, और माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस नहीं है, माइनस इसे लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैन लेफ्ट जा रहा है तो कार्ट राइट जा रहा है, तो एक मोमेंटम नेगेटिव है तो एक मोमेंटम पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर जीरो है। ठीक है यहाँ तक? तो बेसिकली किया कुछ नहीं, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाय एम वन प्लस एम टू का कॉन्सेप्ट लगाया इसने। तो 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया हुआ है, वी वन वी टू एक्सेलेरेशन स्ट्रेट लाइन या सर्कल वाला क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, हो रहा? तो अगर मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, इस बार आपको m1 m2 दोनों मासेस गिवन है, तो तुम m1 m2 पुट करके पहले एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास निकाल लो जो कि g बाय 9 आएगी। वो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है सेंटर ऑफ मास का इन 2 सेकेंड, तो तुम पहले एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर s इज इक्वल टू 0 + 1/2 at² में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पुट कर दो, टाइम पुट कर दो, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। या क्लियर है यहाँ तक? तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, फिर s इज इक्वल टू ut + 1/2 at² सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? एटी स्क्वायर, नहीं गलत किया, ये जी बाई नाइन का स्क्वायर क्यों है पता नहीं यार, इसका आंसर चेक करना क्या आ रहा है, जी बाई नाइन है ना, फिर ये स्क्वायर नहीं आएगा यार, खुद सॉल्व कर लो यार, जो भी करना है खुद, हाँ कर लो, फिर ऐसे कर लो, बस ये सॉल्व कर लो, स्क्वायर नहीं है, बस इसके बाद खुद सॉल्व कर लो, इसके बाद खुद सॉल्व कर लो, एक्सेलेरेशन की जगह जी बाई नाइन पुट कर देना और टाइम की जगह 2 पुट कर देना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डन। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अंडर 2.2 आ रहा है, चेक करना फिर से, नहीं आ रहा, आ रहा है, यही आ रहा है, तो यही आ रहा होगा फिर, मतलब 2.22 आ रहा है, कर लो दोबारा करके देख लो एक बार, कर लो 2.2, अच्छा चलो जो आएगा तुम इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16th करो, 16th क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया भी था, मिलता जुलता है, इसको फिर से करो, फिर से करो, क्या करना है इसमें? हमने लास्ट टाइम किया था, पार्टिकल जिसका मास 3m है, तो एक पार्टिकल है जिसका मास 3m है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिना एक्सप्लोर किए यहाँ गिरना था, कितनी दूरी पे गिरना था, r दूरी पे गिरना था, लेकिन हुआ क्या, 3m मास यहाँ पे फट गया, एक्सप्लोड हो गया, m मास नीचे गिर गया, ड्रॉप हो गया,
ड्रॉप का मतलब एम मास कितनी दूरी पे गिरा, आर बाई टू, और बचा हुआ जो थ्री एम मास है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आके गिरेगा, मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ कहाँ पे गिरा, एक्स, एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे वाला मास आर बाई टू पे, बड़े वाला मास थ्री एम, टू एम, टू एम, टू एम मास, राइट। तो m मास नीचे गिर गया, 2m वहाँ चला गया, टोटल मास 3m है, राइट। हमने लास्ट टाइम किया था सेंटर ऑफ मास वही रास्ता फॉलो करेगा r जो बिना एक्सप्लोर किए करता, तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे गिर रहा है, r, वो तो वहीं रहेगा। पहला पार्टिकल m कितनी दूरी पे गिर रहा है, r बाई टू पे, दूसरा पार्टिकल कितनी दूरी पे गिर रहा है, x पे, टोटल मास कितना है, m प्लस 2m। इसे प्लीज सॉल्व करें और x निकाल लें, बड़ा पार्टिकल कहाँ गिरेगा आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल तो r पे गिरेगा, m वाला पार्टिकल r बाई टू पे गिरेगा, 2m वाला पार्टिकल x पे गिरेगा, अपॉन टोटल मास सॉल्व करके निकालो x आएगा, कितना आ रहा है x, सी ऑप्शन, सी, a तो वैसे भी नहीं हो सकता, r से कम तो हो ही नहीं सकता, आर से कम आंसर बोल भी मत देना क्योंकि आर से दूरी गिरेगा ये। ठीक है, सी ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक को वेलोसिटी हमने 14 दी, दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, तो लगा दो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो लगा लेना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी आंसर। आपको एक ब्लॉक का मास गिवन है, दूसरे का मास गिवन है, एक की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे की वेलोसिटी गिवन है, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 आंसर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्यूबिकल ब्लॉक वाला क्वेश्चन, हमने लास्ट टाइम किया था, ट्रे के ऊपर क्यूब पड़ा है, वो मेल्ट हो गया, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हो गया था, m1 d1 इज m2 d2 वाला कॉन्सेप्ट है। 20th क्वेश्चन का ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया था, जिसका आंसर 1120 मैंने लास्ट टाइम क्लास में करवाया था, एक्सप्लोड हो गया, पार्टिकल सेम है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था जब मास नीचे गिरा 10m राइट गया था लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, तो ये असाइनमेंट क्लोज है। ठीक, इस असाइनमेंट के बाद असाइनमेंट नंबर जो 31 है, मींस जो नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, इस पूरी असाइनमेंट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने किया ना हो, स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, कभी एम वन आर वन एम टू आर टू वाला क्वेश्चन है, कभी डिस्क में से डिस्क काटने वाला क्वेश्चन है, ये रहा, कभी कोई भी वो डिस्क में से डिस्क काटने वाला क्वेश्चन है, ये भी कटिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है कि एक मैन 20 मीटर पे है, 8 मीटर आगे आ गया, लास्ट टाइम मैंने कहा था कई बुक्स में डॉग बना होता है, तो ये सेम चीज़ है, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन सेम है। इस असाइनमेंट में कुछ नया नहीं है, आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये सारी असाइनमेंट हमने ऑलरेडी की हुई है, तो कुछ रिपीट है अलग अलग बस वैल्यूज़ के साथ। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, मैंने क्लास में करवा दिया था, दूसरा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये मैंने क्लास में करवा दिया था, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो पार्टिकल रेस्ट पे हैं, जब दो पार्टिकल रेस्ट पे मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई जब म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास अब भी किस पे रहेगा, एट रेस्ट पे रहेगा, बात ही क्लोज कर दो, जीरो आंसर है। नेक्स्ट है, दो ब्लॉक्स हैं 10 और 4 केजी का, कनेक्टेड बाय अ नेग्लिजिबल स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के साथ है,
एक ब्लॉक को 14 की वेलोसिटी दी और सेकंड रेस्ट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी अभी क्वेश्चन किया था वो स्प्रिंग वाला सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फिगर नहीं है, उसमें फिगर थी एम वन वी वन एम टू वी टू एम वन प्लस एम टू, सेम क्वेश्चन है ये, रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है, छोड़ दो इसे। क्वेश्चन नंबर 5, डी, बिल्कुल, तीन स्फेयर्स हैं, तीन स्फेयर्स का इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने किया था, उसने कहा था सेंटर ऑफ मास निकालो, तो अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो वो शायद ना आर कोमा आर बाई रूट थ्री कुछ ऐसा आ रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास आता है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे आता है, इसको सेंट्रॉइड भी बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड पे होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन मार्क करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 में, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स, फोर्स पे कहाँ डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास के अंदर किसी भी फॉर्मूले में फोर्स तो आता ही नहीं है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू आता है, वी वन वी टू ए वन ए टू आता है, एफ कहाँ आता है, और भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव ऑफ अ पार्ट पोजिशन आना चाहिए, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, गलत है, पॉजिटिव नहीं है वो पोजिशन है, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजिशन का मतलब आर वन एंड आर टू वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। सेवंथ नहीं करना, ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन डल गया, ये गलती से इसमें डल गया। एट्थ हमने किया हुआ है एम वन डी वन इज एम टू डी टू, सेम प्रॉब्लम है, जो एक अगर बंदा डी वन डिस्टेंस पास आए तो दूसरा कितना पास आएगा, सेम रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने गलती से रो ले लिया, मुझे लैम्डा लेना चाहिए था, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होती है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वो रो नहीं है। आ गया आंसर, देखो मैंने इसमें क्या किया, मेरे को ना लैम्डा लेना चाहिए था यहाँ पे, तो मेरे को ऐसा करना चाहिए था, एक रॉड है और लेंथ इसकी 3 मीटर है और मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एक्स, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स। नेक्स्ट है, इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूरी पे होगी, देखो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारा मास पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टोटल वेट पड़ा हुआ है, तो जहाँ मास पड़ा हुआ है उसको जी से मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही बात है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो मैंने क्या बताया था कि ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा लो, यहाँ पर के टाइम्स एक्स हो जाएगी, और मास हम ऐसे रॉड वाले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था, एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल डी एक्स ले लें जिसका मास कितना है डीएम, तो डीएम कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू डी एक्स से, लैम्डा की वैल्यू कितनी है के एक्स, और फिर सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला करवाया था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट कर दो ऊपर भी और नीचे भी, और लेंथ की लिमिट पुट कर दो 0 से 3, अब इसे इंटीग्रेट करो, ऊपर इंटीग्रेशन अलग नीचे अलग, याद करो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रॉड की ऐसी की थी ना, सेम केस है, इसे सॉल्व करो आंसर निकालो।
अंदर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट की हमने, ये देखो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर के बाहर आ गया, के से के कट गया, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, इसके एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करेंगे ऊपर और नीचे अलग, आंसर आए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, एम वन आर वन एम टू आर टू ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अभी की है, वो बोर्ड पे जाता है तो वापस आता है, ठीक है। हाँ अभी किया, जीरो पे रहेगा, हाँ किया, सही है, हाँ ठीक है। ट्वेल्थ नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है पर हाँ आंसर जीरो ही है इसका भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कह रहे हैं कि जो दो बंदे बैठे हैं 55 और 65 केजी की बोट का मास भी है, 55 वाला यहाँ पर आ गया, मेरे पास आ गया, 65 के पास सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ भाई? जब वो बंदा उठ के यहाँ पे आया तो बोट पीछे भी तो गई, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर था वहीं का वहीं रहेगा, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, ये फोर्सेज सारी इंटरनल थी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजिशन चेंज नहीं होगी, वो जीरो ही रहेगी। ठीक है यहाँ तक? 13th नहीं करना, 14th 15th नहीं करना, ये गलती से रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन डल गए हैं। अच्छा मैंने काट दिया तो अच्छी बात है, हटाई दिया मैंने, ठीक है।